मनकेले गए थे दोनों, जहां पर पीएम जीएसवाई के कार्यपालन अभियंता ने यह घटना की जानकारी दी है। और बीजापुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन कापेवार जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ है पूरा मामला चेतन, हमें बताइए। जी शाहिदा, देखिए कल दोपहर के वक्त जब पीएमजीएसवाई के इंजीनियर है रोशन लकड़ा और साथ ही उनके जो ऑफिस के स्टाफ है पियून है परतागिरी, वे साथ में साइड विजिट के लिए निकले हुए थे। बीजापुर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है गोरना मनकेली जो गांव है, वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा था, जिसे देखने के लिए साइड विजिट के लिए ये दोनों सब इंजीनियर और जो पियून था साथ में वे निकले हुए थे। उसके बाद से जब वहां पर साइट विजिट के लिए ये सब इंजीनियर गए हुए थे, उसके बाद से अब 24 घंटे लगभग बीत चुके हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। साथ ही ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि नक्सलियों ने इनकी अपहरण की। देखा जाए तो जिस इलाके में सड़क निर्माण काम चल रहा है वो अति संवेदनशील इलाका और नक्सलियों का एक तरीके से गढ़ माना जाता है मनकेली गोरना को, इसी लिहाज से देखकर यही स्पष्ट लग रहा है कि लगातार जो नक्सली भी है वो रोड का लगातार विरोध करते हैं, सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, साथ ही जो भी रोड निर्माण पे जो गाड़ियां लगी होती उन्हें आग के हवाले करते हैं। तो इसी अंदाजे से देखे तो सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि नक्सलियों ने इनका अपहरण किया। साथ ही जब एसपी से हमने बात करने की कोशिश की तो एसपी ने कहा इस मामले पे जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी आएगी तो वो साझा करेंगे। साथ ही जो पीएमजीएसवाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ठाकुर जी, उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि कल से जब 1:30 बजे के बाद से दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ है और कोई कांटेक्ट उनसे नहीं हो पा रहा है। जी शाहिदा। जी चेतन, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिर अभी बीजापुर से ये खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सब इंजीनियर अजय रोशन और लक्ष्मण परतगिरी का अपहरण हो गया है। सड़क निर्माण का कार्य देखने ये लोग गोरना मनकेली गए थे, जहां जाने के बाद इनके फोन भी स्विच ऑफ है और कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। वहीं कांकेर